नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम कद्दू के कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। चलिए सामग्री देख लेते हैं। ये थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, जीरा भी इसी में कूट करके रख लिया है, हल्दी पाउडर, 3 टमाटर, बेसन, धनिया पाउडर, और ये कद्दू को ऊपर का पार्ट निकाल कर छिलका उतार करके धो करके अच्छे से रख लिया है, लाल मिर्ची पाउडर, हींग, लहसुन और प्याज। ये कद्दू को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और इसका पानी निचोड़ देंगे हम। ये पानी पूरा निचोड़ गया है, ये देखिए हम इसमें बेसन मिलाएंगे। थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डालेंगे, ये घर की पीसी हुई मिर्ची है, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा बेसन और मिलाएंगे। ये देखिए इसकी हम बोल तैयार करके रख लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा गीला हो रहा है, ये देखिए हमने सारी बॉल तैयार कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने पैन रख दिया था, उसमें तेल डाल दिया है। तेल को हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे, थोड़ा सा टुकड़ा डालकर देखेंगे तेल गर्म हुआ है कि नहीं। वैसे भी कोफ्ते तलने के लिए तेल ज्यादा गर्म नहीं चाहिए। ये ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है। जो हमने बॉल्स तैयार करी थी वो डालेंगे एक एक करके। गैस को मद्दी कर दिया है और मद्दी आंच में ही इसको पकने देंगे। अब हम इनको एक एक करके पलट लेंगे, सारी बॉल्स को इसी तरीके से पलट लेंगे। इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ अच्छे से सेकेंगे। ये कोफ्ते अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल इसको धीमी आंच पे ही पकाया है। इसको धीमी आंच पे ही पकाना, नहीं तो ये अंदर तक अच्छे से नहीं पकते हैं। ये देखिए बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको पकाने में 5-7 मिनट लगे हैं। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे इस तरीके से। तेल इसमें जितना था उसको निकाल लिया है, और उसी कढ़ाई में हम मसाला तलेंगे। गैस को जला देंगे तेज फ्लेम में और थोड़ी देर ये तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें लहसुन डालेंगे, जीरा डालेंगे, हींग, हींग एक चुटकी है, और प्याज, तीन प्याज को हमने अच्छे से काट लिया था, थोड़ा सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम को तेज ही रखा है। ये प्याज हमारी पक गई है, इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को, 3 टमाटर को लंबे स्टेप में कट कर लिया है और इसे भी इस तरीके से चला देंगे। नमक डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, और इसे इस तरीके से चला देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे। ये देखिए प्याज, टमाटर, लहसुन अच्छे से पक गई है। इसको हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने देंगे, इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। गैस को ऑन करेंगे, तेल हमने डाल दिया है, सेम कढ़ाई ली है, दूसरी कढ़ाई नहीं ली है, उसी कढ़ाई में डाले हैं, और थोड़ी देर इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, डालेंगे हल्दी पाउडर, हमने 1/2 चम्मच से कम लिया था, और ये 1 चम्मच लिया है लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर, और तीनों को इस तरीके से मिला देंगे। और अभी हम ये डालेंगे जो हमने मसाला पीस करके रखा है, इस तरीके से चला देंगे अच्छे से। ये देखिए चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है, मसाला एकदम पक चुका है। हम इसमें पानी ऐड करेंगे, हम 1 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं, ये देखिए, और इसको हिला देंगे। ये अभी हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए अच्छे से, जब तक ये उबाल आ जाए। खोल करके चेक करेंगे, ये देखिए बिल्कुल अच्छी उबाल आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और इसे भी इस तरीके से हिला देंगे अच्छे से, और इसमें डालेंगे कोफ्ते।
जो हमने तल करके रखा था उनको डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार, नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा। इसे इस तरीके से हिला देंगे और गैस को मंदी कर देंगे और इसको ढक देंगे, अच्छे से थोड़ा पकने देंगे इसको, ताकि हमारे जो कोफ्ते बने हुए वो अच्छे नरम हो जाए। खोल करके एक बार इसे और हिला देंगे, ये देखिए बिल्कुल नरम हो गए हैं। थोड़ी देर इसे और पकने देंगे 2 मिनट के लिए। ग्रेवी भी अच्छी ठीक हो गई है, खोल करके चेक करेंगे। ये देखिए ये हमारा कोफ्ते अच्छे से पक चुके हैं, ये अच्छे से पक चुके हैं। एक हम इसको तोड़ करके चेक करेंगे, ये देखिए बिल्कुल नरम हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से टूट रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल पक गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे, चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। सब्सक्राइबर से पूछो क्यों इसको थोड़ा और पकाया जाए। हाँ या ना, आवाज चिल्ला के बोलो, हमें सुनाई नहीं दे रहा, लाइव नहीं चल रहा है।